वाराणसी के एक मॉल में डिस्काउंट देने से इनकार करना दो सेल्समैन को उस वक्त भारी पड़ गया जब शॉपिंग करने पहुंचे दो युवकों ने डिस्काउंट ना मिलने पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये देखिए हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में बदमाशों के कहर की रिपोर्ट। वाराणसी के छावनी इलाके के JHV मॉल में अंधाधुंध फायरिंग से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोग जान बचाकर भागे। दिवाली की भीड़ होने के कारण से वहां भगदड़ मच गई और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर बदमाश मौके से भाग निकले। इस गोलीबारी में शोरूम के दो कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हुए हैं। दरअसल फिल्मी अंदाज में दो युवक शोरूम में मौजूद एक जूते की शॉप पर पहुंचे थे। चश्मदीदों के मुताबिक बात डिस्काउंट से शुरू हुई और फिर बदमाशों ने शोरूम के एक कर्मचारी का नाम लेकर उसे बुलाने को कहा। जब दुकान के मैनेजर ने युवक की दुकान में नहीं होने की बात कही, तब बदमाश भड़क गए और एक आरोपी ने बंदूक निकाल ली। दुकान मालिक और सेल्समैन ने हिम्मत दिखाते हुए पिस्टल दिखा रहे शख्स को दबोच लिया, लेकिन दूसरे हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस अंधाधुंध फायरिंग में दो की मौत हो गई, तो वहीं दो गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि पुलिस ने मॉल के CCTV फुटेज को कब्जे में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों की पहचान भी कर ली है, साथ ही पुलिस ने मॉल के सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है कि आखिर ये बदमाश दो दो पिस्टल लेकर मॉल में दाखिल हुए तो हुए कैसे। इस गोलीबारी के चलते लोगों में दहशत है, शहर में आपराधिक घटनाएं बेलगाम हो चुकी हैं। हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। ऐसे में यूपी में अपराध लगाने वाले दावों पर सवाल उठाना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पीएम मोदी के सांसद क्षेत्र बनारस में हम इस वक्त मौजूद हैं। विगत दो दिनों पूर्व JHP मॉल में बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं कल रात पप्पू यादव को सड़क पर बदमाशों द्वारा गोली मार दी गई। बताया जाता है कि पप्पू यादव चौका घाट में चाय की दुकान है, वो अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहा था। रास्ते में बदमाशों द्वारा उसको गोली मारी गई, जिसके वजह से वह बुरी तरीके से घायल हो गया। परिजनों द्वारा ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सवाल यह उठता है कि सरकार लाख दावे करती है कि क्राइम पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया गया है, लेकिन हौसला बुलंद बदमाश लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन किस तरह से इस पर अंकुश लगाती है। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफ्ताब आलम।